अच्छे से समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको ट्रिक अच्छे से समझ आएगी और आप हमेशा विन करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देखिए पिछला रिकॉर्ड देखिए, मतलब कि जब स्वेलो आया, ठीक है, तो अपना जो कॉम्बो रहता है वो क्या रहता है, मंकी, पांडा, स्वेलो और ईगल का, ठीक है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या रहता है, रैबिट, लाइन और पिगन और पिकॉक का, ठीक है। तो शार्क को भी हम लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैं पहले लगाता हूँ, जो आपको स्टार्ट तब करना है जब आप विन कर जाए, ठीक है। तो मैंने पहले जैसे कि लगा दिया स्वेलो पे, स्वेलो वाला जो भी मेरा कॉम्बो था, फर्स्ट वाला कॉम्बो, उसके साथ मैं गया। अगर मैं विन कर गया तो ठीक है, दो बार हो जाएगा तो मैं चेंज कर दूंगा इसको। अगर ना विन कर किया तो मैं इसको रिपीट इसके साथ ही जाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब रैबिट आया तो मेरा मतलब कि जो मेरा कॉम्बो था वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो मैं फिर दोबारा इसी कॉम्बो के साथ जाऊंगा जब तक मेरा ये कॉम्बो आ नहीं जाता, ठीक है। तो जैसे कि एक बार आ गया तो ये दूसरी बार आने के चांसेस भी हैं, लेकिन मैं उसी के साथ जाऊंगा। लगातार दो बार आने के चांसेस होते हैं इस कॉम्बो के। तो फर्स्ट वाला कॉम्बो जो मेरा, मैं उसी के साथ ही जाऊँगा, मंकी, स्वेलो, ईगल और पांडा पर, ठीक है। तो मैंने 20-20 अमाउंट जैसे स्वेलो, पांडा और मंकी पर लगा दिया, तो 10-10 मैंने ईगल और शार्क पर लगा दिया। तो देखते हैं क्या बनता है और क्या लोगो आता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि फिर पिगन आया, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि डबल टाइम रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो अब जो नेक्स्ट वाला है जो मेरा, वो अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करके सेम इसी पर इन्वेस्ट करूँगा मैं। दो बार वो आ चुका है तो थर्ड टाइम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो थर्ड टाइम है जो वो मेरा यही लोगो रहेगा, मंकी, पांडा, स्वेलो और ईगल। आपको ज़्यादा बेट इंक्रीज़ नहीं करनी है। जैसे कि मेरा टोटली लॉस कितना हुआ है, 50 पहले हुआ था और 90 140 लॉस हुआ है, तो मैं जो भी है मार उस लॉस को कवर करने के लिए 40 40 40 और 60 लगा दिए मैंने स्वेलो पे, ठीक है। तो अब जो है वो मेरे लोगो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दो बार दूसरा कॉम्बो है वो रिपीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, कि जैसे कि स्वेलो मैंने बोला था कि मेरा जो कॉम्बो है वो आने के चांसेस है, तो मेरा वो कॉम्बो स्वेलो और मैंने 60 लगाए थे तो वो आ गया। अब एक बार आ गया तो सेकंड टाइम क्या है, मैं फिर इसी कॉम्बो के साथ जाऊंगा। सेकंड टाइम भी मैं इसी कॉम्बो के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक बार हमने इसको गेन कर लिया है तो दूसरी बार भी ये आने के चांसेस रहते हैं। लगातार दो बार रिपीट होने के इसी कॉम्बो के चांसेस रहते हैं, और दो बार वो कॉम्बो रिपीट होता है। वो दो बार हुआ वो मेरा फेल गया, क्योंकि मैं इसी कॉम्बो के पीछे लगा हुआ था, ठीक है। जब तक आप पकड़ नहीं सकते तब तक आपको गेम समझ नहीं आएगी। तो मैंने फिर 10-10 रुपये अमाउंट इस पर लगाया। और देखिए दोस्तों, जैसे कि अब पांडा आएगा, क्योंकि मैंने पांडा पे और जो मेरा मंकी वाला, स्वेलो वाला और ईगल वाला कॉम्बो था मैं उन पर लगाया, तो मेरा पांडा आ गया तो मैं विन कर गया, ठीक है दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट वो रहता है वो चेंज हो जाता है। अब अगर आप बैट लगाना चाहें तो नेक्स्ट वाला जो रैबिट, लाइन, पिगन और पिकॉक पे लगाइए, तो आपको जो भी बैट अमाउंट है वो आपका मिल जाएगा और आप विन कर जाओगे। दो बार जैसे कि ये रिपीट हो गया तो मैं जो बैट अमाउंट है वो मेरा चेंज कर देता हूँ, जो वो मेरा सेकंड कॉम्बो है मैं उसी के साथ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि लाइन पर मैंने 10 लगाए, तो 20 पिकॉक पे लगाए, 20 रैबिट पे लगाए और 10 पिगन पे लगाए, जो मेरा सेकंड कॉम्बो था। सेकंड कॉम्बो आने के चांसेस 100% चांसेस हैं। तो देखिए आपके आंखों के सामने है, जैसे कि लॉइन पे मैंने 10 लगाए तो लॉइन ही आ गया। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, समझना बस ऐसे है कि आपको किसी एक कॉम्बो ऊपर लगाते जाना है जब तक वो आ नहीं जाता, और लगातार दो बार उस पर लगाना है। तो अब मैं जैसे इस ऐप में विड्रो दिखाता हूँ, कई दोस्त बोल रहे थे कि इसमें विड्रो प्रॉब्लम बहुत आता है, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टोटल अमाउंट है 1800, मैं इससे विड्रो कर देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको ट्रिक समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, मैं कोई ज़्यादा प्ले करके विन करना नहीं चाहता था, सिर्फ ट्रिक को समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने विड्रो किया 1800 अमाउंट, तो मेरी आप रिव्यू में देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है। अब 1 या 2 मिनट के अंदर ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा टोटल अमाउंट था मैंने विड्रॉल किया था, वो हो गया है या नहीं हुआ। अभी प्रोसेसिंग में चल गया, तो मतलब कि 1 मिनट ये रिव्यू में रहता है, तो 1 मिनट प्रोसेसिंग में, 2 मिनट हो गए, तो थर्ड टाइम जो 30 मिनट में ये विड्रॉल अमाउंट, जो भी आपका पेटीएम अकाउंट है, जो भी अमाउंट आपने अकाउंट बाइंड गया है उसमें आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 1800 रुपये वो सक्सेस हो गए और मेरे पेटीएम अकाउंट में देखिए दोस्तों आ गए हैं, ठीक है। सिर्फ 5 से 7 मिनट के मिनट में विड्रॉल दे देता है।